वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरके इलेक्ट्रिकल्स पर। जैसे कि दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ 2A स्विच दिया हुआ है। यहाँ ऊपर भी मेंशन किया हुआ है 2A स्विच का वायरिंग कैसे करेंगे, 2A कनेक्शन कैसे करेंगे। तो पहले दोस्तों पता करते हैं कि ये कहाँ यूज होता है 2A। 2A स्विच हमारा जहाँ सीढ़ी का लाइन होता है नीचे से ऊपर जाने के बाद यहाँ से जाएंगे ऑन करके लाइट को, फिर ऊपर जाके तो नीचे नहीं आएंगे ना इसको ऑफ़ करने के लिए। इसलिए ऊपर से भी कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, नीचे से भी ऐसा होना चाहिए कि इधर से ऑन करके जाएंगे तो ऊपर से ऑफ करेंगे, या तो ऊपर से ऑन करके आके नीचे से ऑफ करेंगे। और इसको इसी वायरिंग को हम बेडरूम में भी करते हैं, मेन स्विच मेन का स्विच बोर्ड जो रहता है उसी से, और बेड के पास जो बेड स्विच रहता है वहाँ से। तो देखिए दोस्तों पहला वाला वायरिंग कनेक्शन देखेंगे। ये जो 2A स्विच है इसमें देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, A1, 2, 3। तो हमें 2A वायरिंग के लिए पहले सामान चाहिए, ए 2A का स्विच चाहिए और एक बल्ब चाहिए। देखिए ये हो गया हमारा 2 स्विच और ये हो गया दोस्तों हमारा एक बल्ब। तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए अभी हमें यहाँ पे लाइन चाहिए और न्यूट्रल चाहिए। तो हमारा जो कनेक्शन होगा इस यहाँ कनेक्शन कैसे होगा, देखिए ये जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट से इसका ऊपर पॉइंट तक शॉर्ट करना है और ये नीचे पॉइंट से नीचे पॉइंट तक शॉर्ट करना है, मतलब इसको तार डालेंगे यहाँ यहाँ। और बल्ब का एक पॉइंट इस स्विच के कॉमन में डाल देंगे, फिर न्यूट्रल का जो पॉइंट है उसको हम बल्ब से जोड़ देंगे। अभी बच गया क्या, लाइन, और लाइन का जो कनेक्शन है इस स्विच के कॉमन पॉइंट में डाल देंगे। तो ये तो हो गया वायरिंग का डायग्राम हो गया, पर ये काम कैसे करेगा दोस्तों, देखिए ये स्विच नीचे की तरफ ऑन रहेगा तो ऊपर का ऑफ रहेगा। तो उसी हिसाब से मान लो ये ऑन हो गया उस वक्त ये ऑफ होकर रहेगा, तो इस तरफ भी इसको ऑन करेंगे तो इस साइड वाला ऑफ होकर रहेगा। तो सर्किट कैसे हुआ, देखिए लाइन इधर से आ गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया और बल्ब ग्लो कर लेगा, फिर यहाँ से न्यूट्रल में रिटर्न ऑन करंट आ जाएगा। अगर इसको किसी भी स्विच को हम प्रेस कर देंगे, सपोज इसी स्विच को प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये ऐसे होता है, तो ऊपर वाला लाइन हमारा शॉर्ट हो जाएगा और ये वाला कनेक्शन हमारा टूट जाएगा। तब क्या होगा, ये लाइन इधर से जाएगा यहाँ जाके ब्रेक हो गया तो लाइन नहीं ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला कनेक्शन का सिस्टम हो गया। आइए अभी हम दूसरा वाला सिस्टम देखेंगे, बस सेम वैसे ही हम 3 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ भी 3 पॉइंट ले लेंगे और ये बल्ब का 2 पॉइंट। तो यहाँ लाइन रहेगा और न्यूट्रल रहेगा, तो इस लाइन से हम यहाँ ले लेंगे और इस स्विच से इधर ले लेंगे, न्यूट्रल को भी यहाँ शॉर्ट करके यहाँ शॉर्ट कर लेंगे। अभी इसका बच गया क्या, बल्ब का कनेक्शन। बल्ब का कनेक्शन कैसे देना है, ये देखिए यहाँ से एक पॉइंट हम इधर लगा लेंगे और यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अभी इसका ऊपर में लाइन रह गया, नीचे न्यूट्रल रह गया, बीच में बल्ब का 2 पॉइंट कनेक्शन हो गया। तो अभी इसका कनेक्शन कैसे रहेगा, वैसे ही अगर ये ऑन हो गया तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑन हो गया तो ये ऑफ रहेगा। तो इसका सर्किट भी देखिए कैसे, इधर से न्यूट्रल गया, ये सर्किट इधर जाके ब्रेक हो गया, इधर से फिर से न्यूट्रल है, तो अभी लाइट ऑफ रहेगा। किसी भी स्विच को हम प्रेस करेंगे फिर से तो देखिए ये वाला कनेक्शन हमारा ऊपर वाला शॉर्ट हो जाएगा, नीचे वाला टूट जाएगा। तो क्या हुआ, इधर से देखिए लाइन गया, यहाँ से सर्किट कंप्लीट करते हुए इधर से न्यूट्रल में आ गया, तब बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अभी हम तीसरा तरीका देखेंगे, वैसे ही
फिर से एक स्विच, दो स्विच बल्ब के ले लेंगे। तो ये हमारा सीढ़ी के पास जब वायरिंग होता है, सेम सर्किट से अगर कनेक्शन गया है तो इस वायरिंग के डिजाइन में हमें तार का बचाव मिल सकता है। कैसे, देखिए एक ही सर्किट से यहाँ लाइन भी गया है, न्यूट्रल भी गया है, इधर भी एक ही सर्किट से हमारा लाइन भी गया है, न्यूट्रल भी गया है। तब हमें क्या करना है, इधर से लाइन जोड़ देंगे, इधर से भी लाइन जोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना है, इधर से न्यूट्रल जोड़ेंगे, इधर से भी न्यूट्रल जोड़ेंगे, और बल्ब का कनेक्शन वैसा ही, एक ही तार इधर से आएगा, यहाँ जुड़ेगा, और इसका पॉइंट आके यहाँ जुड़ेगा। तो क्या होगा, अभी जो दो नंबर डायग्राम में हम पढ़े हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, पर सिर्फ इसमें इतना होगा कि इसका तार का खर्चा बच जाएगा, बजट कम हो जाएगा। ठीक है, अभी उसी जो दो नंबर में जो डिजाइन हम देखे थे, जो डायग्राम वायरिंग का पढ़े थे, वही वायरिंग इसमें भी हुआ है। सिर्फ क्या हुआ है, ये जो दोनों का शॉर्ट हुआ था, ये कनेक्शन का तार नहीं है, ये ऊपर से लाइन आ गया और ये नीचे से। ठीक है,